खेल के तीसरे दिन दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों के पति ने ही छुड़ाकर रख दिया और वह अहम विकेट भारतीय टीम को दिलाई, जिसके बाद अभी भी भारतीय टीम इस मुकाबले में बनी हुई है। तो वही सुनील गावस्कर ने जडेजा की गेंदबाजी पर ऐसा दावा कर दिया जिसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। तीसरे दिन के खेल की शुरुआत भारतीय टीम के लिहाज से बिल्कुल शर्म ना करे, विकेटकीपर केएस भरत सिर्फ 5 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए। 152 के स्कोर पर 6 विकेट गिर चुके थे और टीम इंडिया पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में एक तरफा हार जाएगी, लेकिन क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने अजिंक्य रहाणे का भरपूर साथ दिया। कप्तान पेट कमिंस हो या फिर मिचेल स्टार्क, सभी गेंदबाजों के घमंड को तोड़ दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने न सिर्फ टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया, बल्कि अपना अर्धशतक भी पूरा अलग ही अंदाज में किया। पैट कमिंस की बाउंसर गेंद पर फाइन लेग की दिशा में शानदार छक्का लगाते हुए ओवल के इस मैदान में सभी को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। एक छक्के के साथ उन्होंने अर्धशतक क्या किया कि भारतीय टीम का पूरा खेमा तालियों के साथ गूंज उठा। आपको बता दें कि बेहद शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने 250 के पार टीम का स्कोर पहुंचा दिया था और उसके बाद अजिंक्य रहाणे 7वें विकेट के रूप में आउट हुए। 89 रन बनाकर उनकी यह महत्वपूर्ण पारी ने टीम को लगभग 300 के नजदीक पहुंचा ही दिया था और उसके बाद अर्धशतकीय पारी शार्दुल ठाकुर ने भी खेली। बता दे, दोनों की बल्लेबाजी इतनी शानदार रही कि एक समय ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम 200 तक भी नहीं पहुंच पाएगी और एकतरफा इस मुकाबले को हारेगी, लेकिन दोनों ने टीम की उम्मीदों को जिंदा कर दिया और टीम इंडिया 296 रन बनाने में कामयाब रही। टीम इंडिया 296 पर ऑल आउट हो गई, लेकिन उसके बाद डेविड वार्नर को सिराज ने 1 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और उसके बाद उमेश यादव ने उस्मान ख्वाजा को 13 के स्कोर पर चलता कर दिया, लेकिन स्टीव स्मिथ और लबुशेन के बीच फिर एक बार साझेदारी होने लगी। दोनों ने टीम का स्कोर 86 तक पहुंचा दिया था। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जो कि बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, और शार्दुल ठाकुर को अपना कैच दे बैठे। इतना ही नहीं, रविंद्र जडेजा ने ट्रेविस हेड, जो कि पिछले मुकाबले में शतकीय पारी खेलकर आउट हुए थे, उन्हें सिर्फ 18 के स्कोर पर आउट करके भारत टीम को चौथी सफलता 111 रन के स्कोर पर दिला दी। आपको जानकर खुशी होगी कि तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 123 रन के स्कोर पर ही 4 बड़े विकेट गिरा लिए। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी जडेजा ने करी, सुनील गावस्कर ने इस बीच अपना बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि आप इस पिच पर गेंद टन हो रहा है और जिस तरह से रविंद्र जडेजा को पिछली बड़ी सफलताएं मिली है, उसके दम पर मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा ही भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में टर्निंग पॉइंट लाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को जल्द ही 200 रन के अंदर समेट सकते हैं, क्योंकि गेंद काफी ज्यादा कट रही है। उन्होंने कहा, ट्रेविस हेड को कई बार जडेजा ने चकमा दिया और बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। मुझे लगता है भारतीय टीम के झोली में फिर एक बार मुकाबला रविंद्र जडेजा की बदौलत ही आएगा। इस तरह से गावस्कर ने जडेजा की गेंदबाजी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए अपनी बात कही। वैसे आप सभी जडेजा की शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।